क्या कोई स्टेट यूटी बनती है? हमेशा एक यूटी स्टेट बनती है, लेकिन किस सरकार के वक्त में ये चीज़ें हो रही हैं? क्या आपको लगता है ये गांधी जी का हिंदुस्तान, अगर इसी तरीके के लीडर दोबारा आते रहे, क्या गांधी जी का हिंदुस्तान एग्जिस्ट करेगा क्या उस? अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज चौधरी एक बार दोबारा से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। बात करने जा रहा हूँ जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट, यानी जिस सीट पर कल होने जा रहे हैं इलेक्शन, यानी वोटिंग होने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा अगर वहां से आप वीडियो देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट से दो उम्मीदवार जो ताकतवर शख्सियत माने जा रहे हैं, यानी कांटे की टक्कर जिन जमातों में है, एक नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और साथ में भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुगल किशोर जो ऑलरेडी दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, और दूसरी तरफ से रमन बल्ला जी, कांग्रेस के एक बड़े कदावर शख्सियत और कांग्रेस में कोर कमेटी में गिने जाने वाले शख्सियत जो है वो रमन बल्ला जी है। रमन बल्ला जी और जुगल किशोर की जब बात करने की कोशिश करते हैं, रमन बल्ला जी को आप हमेशा सड़कों में और गलियों में ज़रूर देखते होंगे प्रोटेस्ट करते हुए, कभी सिलेंडर उठाए हुए और कभी एपटेक जैसे स्कैम को एक्सपोज करने के कोशिश में होते थे। आपको वो चीज़ें याद होंगी आपके, अब ज़्यादा मैं दूर नहीं जाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 साल पुराने 10 साल के पन्ने को पलटने की कोशिश करूँगा आपके सामने, तो आप याद रखिएगा उन चीज़ों को भी कंसिडर करिएगा आप जब वोट देने जा रहे हैं। ये वोट जो है आपके बच्चों का मुस्तकबिल लिखता है और यहीं पर कानून बनते हैं, यहीं पर सब चीज़ें होती हैं, ये आपको बखूबी पता होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कितने स्कैम हुए थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो कितने स्कैम हुए थे, उसके बाद जब आप प्रोटेस्ट करते थे, देर रात भी प्रोटेस्ट करते थे, तो आप पर किस सरकार के होते हुए लाठियां बरसाई जाती थी। और अगर आप उनके आपको ज़्यादा से ज़्यादा COVID-19 तो याद होगा, COVID-19 में आपके साथ क्या किया गया था, आपको कहाँ पर वेंटिलेटर्स मिले, कहाँ पर क्या मिला, वो आप बाखूबी जानते हैं। आपको ये चीज़ें भी याद रखनी चाहिए, एक ही फैमिली से कितनों को एडजस्ट किया गया जब बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। फोर्थ क्लास आपको भूलना नहीं चाहिए कि फोर्थ क्लास के जब एग्जाम हुए थे कितना बड़ा स्कैम किया गया, उसके बाद सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में कितने बड़े घोटाले किए गए, फाइनेंस की जब बात करते हैं और फिर से दोबारा से बच्चों को एग्ज़ाम करवाना, एक किस्म से बच्चों के साथ कितना खिलवाड़ किया गया, 3 साल लगभग बच्चों के ज़ाया किए गए कौन सी सरकार के टाइम हुए। 370 के टाइम भी आपको याद होगा, आपसे आपकी शिनाख्त आपकी पहचान ले ली गई, और उससे भी बड़ी बात आपसे, आपने इतिहास में ये चीज़ें कभी नहीं देखी होंगी, क्या कोई स्टेट यूटी बनती है, हमेशा एक यूटी स्टेट बनती है, लेकिन किस सरकार के वक्त में ये चीज़ें हो रही हैं? क्या आपको लगता है ये गांधी जी का हिंदुस्तान, अगर इसी तरीके के लीडर दोबारा आते रहे, क्या गांधी जी का हिंदुस्तान एग्जिस्ट करेगा, क्या उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी, ये चीज़ें भी सोचिएगा। क्या हिंदू और मुसलमान में इतने फसाद क्यों हुए, किस सरकार के टाइम में हुए, क्या जब कांग्रेस होती थी तब होते थे या नहीं होते थे, या बीजेपी होती थी नहीं होती थी, वो चीज़ें भी आप कंसीडर करिएगा, उसके बाद आप अपना वोट दीजिएगा। और आप अपना वोट देने जा रहे हैं उससे पहले चंद चीज़ें ये याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई है, और किसी के जान से में मत फंसिएगा, कोई आपको क्या बोलेगा कुछ नहीं होने वाला, आप सिंपल अपना दिमाग लगाइएगा, आप याद करिएगा 10 साल पुराने 10 साल देखिएगा आपके साथ क्या हुआ, आपके सिलेंडर के प्राइस बढ़ जाना, आपके जो गैस चूल्हे वगैरह होते थे उनके प्राइस जो है आसमान छूते हैं आज भी, आप जो गाड़ी आप चला रहे हैं ना उसके दाम क्या है आप देख रहे होंगे, जो सब्जियां आप खाते हैं उनके दाम देखिएगा, जो कपड़े आप पहनते हैं उनके दाम देखिएगा, किस सरकार के टाइम में कितना हुआ है, और आपको किस तरीके एक तरीके से जो ड्रग को ख़त्म करना चाहिए सब चीज़ें, आपको किस तरीके की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है, आपकी स्टेट में ही कितने वाइन शॉप की ओपनिंग, बार की ओपनिंग हो रही है, ये चीज़ें आप कंसीडर अपने दिमाग में सोच कर जाइएगा, क्या हालात बनने वाले हैं आगे। अगर इस तरीके से रहा तो मैं बड़े दावे से कहता हूँ डिक्टेटरशिप दूर नहीं है, ये याद रखिएगा और ये आप ऑन द रिकॉर्ड रहेगा, और मैं भी यही हूँ, इसलिए अपना नेता बहुत सोच समझ के चूज़ करिएगा, कल को ऐसा ना हो आपको कुछ और देखने को मिले, इसलिए बेहतर है अगर आप, अब 24 घंटे बच चुके हैं आपके पास टोटल, उसके बाद आपको जाके पोल करना है अपना वोट, तो इसलिए बहुत सोच समझ के वोट करिएगा, और इवन फैमिली मेम्बर्स को भी ये चीज़ें बताइएगा क्या हमें इन वजूहात पर रहना होगा, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं। नौजवानों आपसे गुजारिश है, आपको याद होना चाहिए आपके साथ बड़े स्कैम कितने हुए हैं,
आपके साथ कितने बड़े फ्रॉड किए गए, आपके बच्चों को पेरेंट्स से गुजारिश है आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखने के लिए ये चीज़ें वजूहात जो है मैंने बताई हैं इनको कंसीडर करिएगा, तब तक दीजिएगा इजाज़त। और मुझे उम्मीद है आप एक सही लीडर को चुनकर लाएंगे जो हमारे मुस्तकबिल हमारी बात को गुज्जर पहाड़ी हिंदू मुस्लिम सब को इकट्ठे लेकर चलने वाली कोई सरकार आएगी और ये उम्मीद आपसे ज़रूर रखी जाएगी, इसलिए अपना वोट बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। शुक्रिया।